जहां पर करोड़ों रुपए की बरामदगी के मामले में क्रिसले पांडे के घर पर पुलिस पहुंची है। क्रिसले पांडे की काफी लग्जरी लाइफ है। आम्रपाली ग्रैंड के विला में पांडे रहता है। पांडे का साथ लग्जरी गाड़ियों का बेड़ा है। एक कार सिर्फ घर की सब्जी लाने के लिए है। पुलिस के काले धन का पांडे पर शक है। क्रिसले और उनका पिता दोनों विदेश में है। क्रिसले पर ही काला धन का शक जताया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दानिश हमारे साथ है, जुड़ गए हैं। दानिश, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब ये कड़ी दरगड़ी जुड़ती जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो क्रिसले पांडे जो अपने आप को वकील बताता है उसका नाम पूरी तरीके से सामने आ चुका है। पुलिस का भी कहना है कि हाँ, ये सारी जो रकम थी जो तकरीबन 50 किलो सोना चोरी हुआ था, 17 करोड़ रुपए कैश चोरी हुए थे, ये सारा का सारा पैसा क्रिसले पांडे का ही है। और इन लोगों ने पूरे भारत में अलग अलग जगह पर बाकायदा फ्रॉड किया है और वो पैसा लाके यहाँ पर डंप करते थे। हालांकि क्रिसले पांडे और उसके पिता वो अभी विदेश में है, यहाँ पर नहीं है। पुलिस का कहना है कि हाँ, इसी डर से वो लोग वहां पर भाग गए थे जब फरीदाबाद पुलिस ने उनके घर पे छापेमारी करी थी। लिहाजा ये कह पाना अभी मुश्किल है कि हाँ, कितना पैसा इन लोगों ने ठगी करी है या फिर कितना इनका इन्वॉल्वमेंट है। मुख्य कड़ी इसमें एक गोपाल नाम का व्यक्ति है जो कि इस चोरी में शामिल था, वो मास्टरमाइंड था, वो अभी फरार है। लिहाजा उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो पाई तब तक तस्वीरें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगी। क्रिसले पांडे के घर पर जब भारत संचार की टीम पहुंची है तो वहां अगर देखा जाए तो कई ऐसी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां वहां घर के बाहर खड़ी हुई थी। जब ड्राइवर से बात करेगी तो उसने बताया कि एक गाड़ी तो बस वहां के जो सब्जी घर की होती है उसको लाने के लिए रखी गई है। बॉडीगार्ड वहां पर तैनात थे। ये आम्रपाली का ग्रैंड करके एक सोसाइटी है, उसी में विला में रहता है। हालांकि उसका परिवार यहाँ पर रहता है, क्रिसले पांडे यहाँ पर जो है नहीं है, वो बाहर भागा हुआ है। तो ये मुख्यतः माना जा रहा है कि हाँ, जो क्रिसले पांडे है उसी का ये पैसा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक पूरे ठोस सबूत उसके पास नहीं आ जाएंगे तब तक अभी कोई FIR दर्ज नहीं करी जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ बरामदगी की FIR दर्ज करी गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 57 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 13 किलो सोना बरामद हुआ है। तो पुलिस का कहना है कि हाँ, जिस तरीके से अभी जांच आगे बढ़ेगी तो कई ऐसी कड़ियां सामने आ सकती हैं, कई ऐसे सफेदपोश सामने आ सकते हैं जिनका ये पैसा यहाँ पर डंप किया गया था। फ्रॉड का पैसा था, किस तरीके का पैसा वो कमाई हुई थी, किस तरीके से पैसा यहाँ रखा गया था। बिल्कुल दानिश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो भारत